है एस, एडजेक्टिव एस। एस का मतलब उतना, उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण का आप यूज करेंगे, उसके बाद आप कहते हैं जितना, एस के लिए जितना। तो उतना जितना, इस तरह के सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जब हम कहते हैं कि राम अमिताभ के जितना लंबा है, या हम कह सकते हैं राम उतना लंबा है जितना अमिताभ। हम कहते हैं सीता उतनी खूबसूरत है जितनी गीता। तो इस तरह का उतना जितना के जो सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं वो इस कंजंक्शन फॉर्मेशन से लिए जाते हैं। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए और फिर उसके बाद आप सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, एडजेक्टिव्स के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक बार फिर से उस वीडियो लेक्चर को देखिए और समझ लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा फॉर्मेशन को देखें। मैं आपसे कहूं एज टॉल एज अमित, तो देखिए एज उतना, टॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है लंबा, एज जितना अमित, उतना लंबा जितना अमित, या उतना लंबा जितना अमित, मतलब तो एक ही है अमित के जितना लंबा, दोनों बातें एक ही है, एज टॉल एज अमित, अमित के जितना लंबा, एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, राकेश के जितना छोटा। आगे जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। देखिए एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना आपका घर, या फिर मैं कह सकता हूं आपके घर जितना बड़ा। एज ब्लैक एज कोल, उतना काला जितना कोयला, कोयले के जितना काला। एज ब्यूटिफुल एज यू आर, उतनी खूबसूरत जितनी तुम हो, तुम्हारे जितनी खूबसूरत। एज रेड एज ब्लड, उतना लाल जितना खून, या मैं कह सकता हूं खून के जितना लाल। एज स्ट्रॉन्ग एज माई डैड इज, उतने मजबूत जितने मेरे पापा हैं, या फिर मैं कहूं मेरे पापा के जितने मजबूत। एज क्यूट एज शी वॉज, उतनी प्यारी जितनी वो थी, शी वॉज वो थी, या मैं कह सकता हूं उसके जितनी प्यारी। अब देखिए एग्जाम्पल, अभी तक आपने फॉर्मेशन देखा, अब इन्हीं फॉर्मेशंस का यूज एग्जाम्पल्स में आएगा। सेंटेंस है मैं अमन के जितना लंबा हूं, यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि मैं उतना लंबा हूं जितना अमन, उतना लंबा जितना अमन, एज टॉल एज अमन। तो देखिए मैं किस तरह से सेंटेंस बनाऊंगा, आई एम मैं हूं एज टॉल एज अमन, अमित अमन के जितना लंबा। वो लड़का सचिन के जितना छोटा है, That boy is, वो लड़का है as short as सचिन, as short as सचिन का मतलब सचिन के जितना छोटा, या उतना छोटा जितना सचिन। तो अब देखिए चूंकि आप फॉर्मेशन को जानते हैं, आपको पता है as tall as short as किस तरह से यूज करना है, तो इन हिंदी सेंटेंसेस को जब आपको बनाना होगा इंग्लिश में तो आप इन्हें इस फॉर्मेशन के साथ बना सकते हैं। वो मेरे भाई के जितना छोटा है, अब यहां पर उम्र की अगर बात हो रही है तो हम कहेंगे ही इज एज यंग एज माई ब्रदर। ये पेन तुम्हारे पेन जितना पुराना नहीं है, नहीं है नॉट का यूज हो गया, उतना पुराना जितना तुम्हारा पेन। दिस पेन इज नॉट, ये पेन नहीं है एज ओल्ड एज योर पेन, उतना पुराना जितना तुम्हारा पेन। मैं आप जितना पैसे वाला नहीं हूं, यानी मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना आपके पास है, यानी मैं उतना अमीर नहीं हूं जितने आप हो। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं एज रिच एज, उतना अमीर जितने यू आर, आप हो। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, यू आर नॉट, तुम नहीं हो एज क्लेवर एज आई एम, एज क्लेवर एज, उतने चालाक जितना मैं हूं, आई एम। राम उसके जितना पागल नहीं है, राम इज नॉट एज मैड एज ही इज, वो कैटरीना की जितनी खूबसूरत है, शी इज एज ब्यूटिफुल एज कैटरीना। क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो एज गुड एज, उतना अच्छा जितना आई कैन, मैं गा सकता हूं जितना,
Can you sing as good as I can? क्या तुम मेरी उम्र के हो? इस सेंटेंस को देखिए आप, यू तो एक बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, आर यू माई एज। ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, अक्सर यूज होता है, आर यू माई एज। या आप इसे इस तरह से भी इस फॉर्मेशन में बना सकते हैं, आर यू, क्या तुम हो, एज ओल्ड एज, उतने एजेड यानी उतनी उम्र के जितना मैं हूं, एज ओल्ड एज आई एम।